Hi friends, let's do one more practice problem on atomic structure. The question is, find the ratio of time period of second Bohr orbit of helium and fourth Bohr orbit of lithium. Question padke do teen cheeze pehle clear hoti hain. Helium ka naam liya gaya hai, matlab z ki value 2, atomic number is 2. Helium mein do electrons hote hain. Ek electron ko nikal diya, ek hi electron bacha. Because Bohr's model is only valid for single electronic species. So, this is why I have to take one electron. But protons are not so much, so Z is equal to 2. Protons will not be different. Similarly, lithium has been taken, meaning Z is equal to 3. Then, fourth Bohr orbit, this word means N is equal to 4. And second Bohr orbit, this means N is equal to 2. So, this we will write this. Helium, Z is equal to 2. इसका है सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम इसका है z is equal to 3, इसका है फोर्थ ऑर्बिट। अब हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सिंपल शब्दों में टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, फिजिक्स टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। पर Distance that the electron is traveling, ये तो हो गया circumference, that is 2 pi r, तो time period का formula है 2 pi r by v। अब radius का formula हमें पता है, velocity का formula हमें पता है, हम दोनों formula डाल के time period का एक formula बना सकते हैं। पर अब इसमें एक special point है, radius का formula होता है 0.529 into n square by z, velocity का formula होता है 2.18 into 10 to the power 6 z by n। अब ये जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट है, अगर मुझे रेशियो निकालनी है मतलब मैं हीलियम के लिए और लिथियम के लिए दोनों के लिए फार्मूला लगाऊंगा फिर दोनों को डिवाइड करूंगा, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 पाई तो दोनों में कॉमन है तो वो तो वैसे ही कट जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस आर में ये जो 0.529 वाला फैक्टर है ये भी तो हीलियम और लिथियम दोनों में आने वाला है तो जब रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो 2.18 × 10⁶ ये भी कट जाएगा, तो इफेक्टिवली जो बचेगा वो बचेगा ये और ये, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड अपॉन जेड बाय एन, सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला इसको याद भी कर सकते हो और नहीं तो ऑन द स्पॉट ये निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब बस अपने को सिंपल करना है, हीलियम के लिए एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो गया हीलियम के लिए। और लिथियम के लिए n क्यूब बाय z स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्यूब n क्यूब अपॉन z स्क्वायर 3 का स्क्वायर। और फाइनली जब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो इज इसकी वैल्यू तो 2 है ठीक है, और इसकी वैल्यू है 4 × 4 = 16 × 4 = 64/9, तो इफेक्टिवली आंसर आ गया 2 upon 64 by 9, that is 2 × 9/64, that is 9/32, तो आंसर आ गया 9/32। इस तरह के क्वेश्चंस आप जेई एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर अगर जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंपल क्वेश्चन, अगर जेई मेंस और मेडिकल में क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह करते हैं, इसका एक वेरिएशन भी है, हो सकता है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोल देते, तो अगर फ्रीक्वेंसीज बोल देते तो बस आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, सो फ्रीक्वेंसी वुड हैव बीन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, तो इतना ही फर्क पड़ता। तो इसी तरह से बस थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।